उत्तराखंड के लिए बुरी खबर मिली है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के नंबर प्लेट की BMW कार के साथ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक BMW और कंटेनर में भिड़ंत हुई है और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कार सुल्तानपुर की ओर से जा रही थी और लखनऊ की ओर से उसी रोड पर आ रहे कंटेनर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का इंजन और चारों लोग दूर जा गिरे। यह हादसा इतना भयावह था कि एक व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो गया है और कार के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे के बाद पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। कार की नंबर प्लेट है UK01C0009 जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। हादसे के बाद DM रवीश गुप्ता और SP सोमेन वर्मा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने SDM को दुर्घटना के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। DM ने बताया कि काफी हाई स्पीड एक्सीडेंट है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए डॉक्टर को निर्देशित किया गया है। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। यूपीडा के अधिकारी जांच कर रिपोर्ट देंगे और अभी और जानकारी जुटाई जा रही है। बताया गया कि इस हादसे के बाद कंटेनर का चालक फरार हो गया है। हादसे के बाद कंटेनर से 3 लोग कूदकर हलियापुर की ओर पैदल ही भागते देखे गए। दुर्घटना के वक्त मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने घटनास्थल की जांच करने पहुंचे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। जानकारी के बाद हलियापुर थाने की पुलिस ने क्षेत्र में भागने वाले लोगों की खोजबीन शुरू कर दी है। बता दें कि पिछले 6 अक्टूबर की रात हलियापुर के पास माइलस्टोन 83 किलोमीटर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अचानक धंस गया था। यूपीडा ने गड्ढे को भरवाकर उधर से बड़े वाहनों का आवागमन पर रोक लगा दी थी। तब से एक ही लेन से अप और डाउन दोनों वाहनों को निकाला जा रहा था। शुक्रवार को दिन में करीब 3:30 बजे एक कंटेनर अपने दाहिने की लेन से निकल रहा था। इसी बीच सामने से आ रही BMW कार से उसकी आमने सामने की भिड़ंत हो गई।